गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। शुक्र है मैं कॉटन पहन के आई, वूलन पहना थी तो जाने निकल जाती सच में। हिसार पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि हिसार मेरी जगह है, मेरी सिटी है, तो इसलिए मैं हिसार पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। इतने टाइम से थाईलैंड ढूंढ रही थी, अब फाइनली थाईलैंड मिल गया मुझे। यहाँ पे पता नहीं लिखते हैं एक्चुअल में होता है, बट थाईलैंड की जो शॉपिंग है मैंने कर रखी है भाई, लाजवाब शॉपिंग है वहाँ की। सारी चीज़ें इतनी सही होती है ना वहाँ की। What is this? This. Only this. Okay. गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। शुक्र है मैं कॉटन पहन के आई, वूलन पहनाती तो जाने निकल जाती सच में। बहुत धूप हो गया भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई लिटरली। अब तो थक गए भाई, अब खा पी के हम तो निकल जाएंगे यहाँ से। हमारे बस की नहीं है और घूमना है यहाँ पे, पर खाना ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पे है। ओए मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया भैया, खाना मिल गया। तो गाइस यहाँ पे खाने के लिए टोकन लेना पड़ेगा पहले, मतलब खाने का। यहाँ पे जो चीज़ वहाँ पे पेटीएम शेटीएम नहीं होने वाला, तो यहाँ पे लगा रखा काउंटर और ये मेन्यू यहाँ पे अवेलेबल है। ये पड़े टोकन खरीदो और जाके अंदर दो, जो जो खाना है यहीं पे डिसाइड कर लो। देख के लेने का मन करता है, वो मेन्यू पे कैसे मन करे। नहीं वैसे बता रही हूँ मैं। ये क्या आइटम है? इसका भी कूपन देना पड़ेगा ये ना, हर चीज़ का कूपन है यहाँ पे। अभी तो इन्होंने यही बोला है हर चीज़ का कूपन, पर ये है कि एक एरिया में कर दिया ठीक है। तो देखिए चाप चूप है, तो वहाँ कहाँ थी, सारी चीज़ें सामने। भला ले लिया उसके साथ आइसक्रीम। हाँ ये तो है। ओ भाई जलेबा साइज देख ले, तेरे थोपड़े से बड़ा है। नहीं। क्या बोला तूने? बोले कान में लगे पड़े। हाथ लगा सकते हैं? नहीं टिश्यू पेपर से पकड़वा दो। पकड़ के फोटो खिंचवानी है? नहीं तो बता रही मैं थोड़ा छोटा है। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। वोट इसका होगा पर खा के हो जाएगा, खा के हो जाएगा। सिस्टम को रखा है, कूपन लो और अपना सामान ले लो जहाँ से लेना है। पर देख के ज्यादा फील आती है क्या लेना है। वहाँ मेन्यू में तो मजा ही नहीं आ रहा था, यहाँ देख के लग रहा अच्छा ये ले लेना चाहिए था, उल्टे सीधे चीजें लेके रख लिया यार हमने। तो तोबा तोबा थारा मूड खराब कर दिया। काउंटर हर स्टॉल के सामने भी लगे हुए हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी बिलिंग करा सकते हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है और डायरेक्ट ले सकते हो अगर किसी भी काउंटर के साथ खाना है। उन्होंने तो वहीं पे हमारे पटेवा करवा दिया। हिसार पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि हिसार मेरी जगह है, मेरी सिटी है, तो इसलिए मैं हिसार पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। हिसार का भी कुछ स्पेशल सूरजकुंड में आ चुका है फाइनली। सूरजकुंड में एक जगह से घुसे थे हम और दूसरी जगह से निकलने की वो सेम जगह तो मिली नहीं रही, मतलब इतना भटक चुके हम। और मेरे साथ जो बंदी आई थी ना, मतलब मुझे तो व्लॉगिंग के पर्पस से आई थी, मैं शॉपिंग करने का माइंड नहीं था, फिर मैंने कुछ थोड़ा बहुत खरीद लिया है। बट मेरे साथ जो बंदी आई थी ना वो सिर्फ घूमने के लिए आई थी, मुझे लगा नहीं था कि उसका ये हालत होने वाली है। अब उसकी हालत देख लो, ऊपर से लेके नीचे तक वो लदी पड़ी है सामान से, और अभी भी यहाँ पे बेडशीट की शॉपिंग कर रही है। जाके मान ही नहीं रही भाई, मेरी तो टांगे टूट गई और इस लड़के की हिम्मत नहीं टूटी अभी तक। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लगी पड़ी है, पूरे लदे पड़े हैं बच्चों के लिए। और इसने ऐसे दो बैग लिए हैं और मैंने एक और लिया है, सेम सेम। तो क्या नाचो मैं? चले बहन चले, जाना है। चल ले, इतना बोझा तू ढो कैसे रही है? तेरी शक्ल से नहीं लगता तू ढो लेगी। खड़ी है, अभी आगे मत जाना, ले ले फिर सारी ले ले, कोटा पूरा कर ले साल का। अगले सूरजकुंड में फिर आई हो येलो वाली, मुझे वो अच्छी लगती है सामने। वो जो ग्रीन है, ग्रीन के साथ एक है, उसके साथ है। मैं तो ग्रीन वाली भी अच्छी लग रही है। ग्रीन वाला प्रिंट को क्या कहते हैं? ओह सो गाइस, फाइनली हम लोग फ्री हो चुके हैं और हम लोग इतने लकी हैं कि हम लोग जल्दी आ गए। अब इतना रश हो चुका है वहाँ पे कि वहाँ जाना ही इम्पॉसिबल है। गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग भी इतने ज़्यादा हो, ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और हम लोग यहाँ फ्री होके निकल रहे हैं और लोग अभी जा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो चुका है सूरजकुंड का। बट फाइनली मतलब हम लोग सोच के तो नहीं आए थे कि हम कुछ लेंगे, बट देख लो लदे पदे आए हैं पूरे अच्छे से, लिफाफे में लिफाफे। और अब आधा सामान तो हम घर जाके खोल के देखेंगे, अच्छा हमने ये भी लिया था, ये भी लिया था, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं है क्या क्या ले लिया। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि हम इतना थक चुके हैं कि अब मेरा कुछ और शूट करने का तो मतलब पर्पस है ही नहीं। वैसे भी सूरजकुंड ही शूट करने आया था, वो हो गया। तो आई होप हमने जितना एंजॉय किया आपने भी, आपको भी ये ब्लॉग उतना ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव फन, जय माता दी, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बाय बाय।